चुड़ैल बस ड्राइवर नितेश आज 20 साल बाद अपनी माँ से मिलने के लिए गांव जा रहा था। आज 20 साल बाद वो अपने माता पिता से मिलेगा, ये सोचकर वो बहुत खुश था। अब कुछ देर बाद नितेश रात के 11 बजे अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच जाता है और खुद से बोलता है, वेलकम नितेश, आज तू इतने सालों बाद अपने गाँव आ रहा है। जब माँ पापा मुझे अपने सामने देखेंगे तो कितने खुश होंगे। बहुत रात हो गई है, अब मुझे बस स्टेशन जाना चाहिए बस पकड़ने के लिए। इतना बोलकर नितेश बस स्टैंड पहुंचता है, परंतु जब तक वो बस स्टैंड तक पहुंचता है तब तक उसके गांव तक जाने वाली वो आखिरी बस वहां से निकल जाती है, जिसके बाद नितेश खुद से बोलता है, ओ शिट, ये बस तो गई। अब पता नहीं कितनी देर बाद दूसरी बस आएगी, तब तक मैं क्या करूँगा। किसी से पूछता हूँ कि दूसरी बस कब तक आ जाएगी। इतना बोलकर नितेश वहाँ के आसपास के लोगों से पूछता है, काका मुझे सीताराम गांव जाना है, सीताराम गांव जाने के लिए अगली बस कब तक आएगी। बेटा, सीताराम गांव जाने वाली आखिरी बस तो 11 बजे की थी, वह तो चली गई, अब तो सीधा 9 बजे ही बस मिलेगी। क्या, सुबह 9 बजे? अच्छा ठीक है, थैंक यू काका। इतना बोलकर नितेश बस स्टैंड पर ही बैठ जाता है और खुद से बोलता है, नितेश तू क्या कर रहा है, तो सुबह तक कैसे वेट करेगा, और यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं फोन की लोकेशन ऑन करके घर के लिए निकल पड़ता हूँ, क्या पता रास्ते में कोई बस मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर नितेश अपने घर का एड्रेस गूगल पर डालता है और अपने गाँव के लिए निकल पड़ता है। नितेश थोड़ी आगे जाता है तभी उसे एक जंगल का शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है। रास्ता देखकर नितेश खुद से बोलता है, ये शॉर्टकट रास्ता लगता है, एक काम करता हूँ यहीं से चला जाता हूँ, यहाँ से जल्दी घर पहुँच पाऊंगा। जब आधी रात को घर पर माँ पापा से मिलूंगा तो माँ कितनी खुश होगी। इतना बोलकर नितेश उस जंगल के रास्ते पर निकल पड़ता है। नितेश थोड़ी ही दूर जाता है कि उसे एक बस दिखाई देती है। बस देखते ही नितेश बस के आगे खड़ा हो जाता है और उस बस को हाथ दिखाकर रोकता है। बस जैसे ही रुकती है नितेश बस के अंदर चढ़ जाता है, जहां वो देखता है कि बस पूरी तरह से खाली है, उसमें बस गिनती के ही कुछ ही लोग बैठे हैं। जिसके बाद नितेश टीटी वाले को टिकट के लिए देखता है, पर उसे बस के अंदर टीटी नजर नहीं आता। जिसके बाद वह बस में बैठे एक आदमी से बोलता है, काका ये बस सीताराम गांव तक जाएगी ना। मुझे नहीं पता, तुम ड्राइवर से पूछ लो। अच्छा ठीक है। जिसके बाद नितेश ड्राइवर के पास जाता है और वह देखता है कि ड्राइवर एक लड़की है। लड़की को देखकर नितेश थोड़ा हैरान होता है और उससे बोलता है, मैडम जी बस सीताराम गांव तक जाएगी क्या। वो दरअसल आज मैं बहुत सालों बाद अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, आप मुझे बता देती तो मेरी बहुत मदद हो जाती। नहीं नहीं, पर मुझे तो सीताराम गांव जाना है। अच्छा ये बस कहाँ तक जाएगी। नितेश के सवाल करते ही चुड़ैल उसकी ओर देखती है और बोलती है, जन्म में। नितेश चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वे डरते हुए बस के अंदर बैठे लोगों के पास मदद मांगने के लिए जाता है, जहाँ वे देखता है कि बस पूरी तरह से खाली है। ये देखकर नितेश के होश उड़ जाते हैं और वो चुड़ैल से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो, 20 सालों से मैंने अपने माँ पापा को नहीं देखा है, तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जाने दूंगी, पर उससे पहले तेरे पापा की सजा तो दे दूं। नहीं मुझे छोड़ दो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे शांति चाहिए। मैं तुम्हारे लिए शांति पूजा करूंगा, मैं तुम्हें शांति दिलवाऊंगा। इतना बोलकर नितेश बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अपने घर पर पाता है और उसके सामने उसकी माँ बैठी होती है जो उससे सवाल कर रही होती है, बेटा तू बिन बताए गाँव में क्यों आया, वो भी इतनी रात को अकेले, आखिर तेरे साथ क्या हुआ। नितेश अपनी माँ को सारी सच्चाई बताता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है, क्या बेटा उस बस में जो भी कोई चढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता, परंतु मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास आ गया, इसका मतलब जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए थे।
बेटा वह एक चुड़ैल है जो कि बस ड्राइवर है। आज से 3 साल पहले रूपा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। रूपा के पिता एक बस ड्राइवर थे जो कि बस चलाया करते थे। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद रूपा ने बस चलाने का निर्णय लिया और बस चलाने लगी। ऐसे ही एक दिन रूपा अकेले रात को बस रोड पर बस चला रही थी, तभी उस बस में कुछ लड़के चढ़ जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पर रूपा एक निडर लड़की थी, उसने हार नहीं मानी और उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी, जिसके बाद उन गुंडों ने अपना बदला लेने के लिए उसकी बस का ब्रेक फेल कर दिया, जिसके बाद रूपा बस समेत ही अपनी सवारियों के साथ खाई में गिर गई। उसने अपनी जान गंवा दी। बस तभी से वो जिस भी लड़के को अकेले बस में चढ़ता देखती है उसकी जान ले लेती है। पर उसने तुझे छोड़ दिया, शायद इसलिए कि तुम एक भले इंसान थे। रूपा की कहानी सुनने के बाद नितेश उसके गुनहगारों को सजा दिलवाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करवाता है, जिसके बाद रूपा की आत्मा को शांति मिल जाती है। परंतु आज तक नितेश अपने साथ हुए इस हादसे को भूल नहीं पाता।